हाँ तो बच्चों, कैसे हैं आप? इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको कक्षा 6 की संस्कृत पुस्तक के प्रथम पाठ के शब्दार्थ का दोहरान करवाया था। आइए अब शब्दार्थ समझने के बाद हम इस प्रथम पाठ को पढ़ते हैं। आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि मैंने हर लाइन के आगे उसका हिंदी अनुवाद लिख रखा है ताकि आपको समझने में बिल्कुल परेशानी ना हो। एषः कः? एषः मतलब यह। एषः कः? यह क्या है? एषः चषकः। चषकः मतलब गिलास। एषः चषकः, यह गिलास है। किम एषः बृहत्? किम मतलब क्या, एषः मतलब यह, बृहत् मतलब बड़ा, क्या यह बड़ा है? न, नहीं। एषः मतलब यह, लघु मतलब छोटा, नहीं यह छोटा है। एषः कः? यह क्या है? एषः चषकः, यह गिलास है। किम एषः बृहत्? क्या यह बड़ा है? न, एषः लघु, नहीं यह छोटा है। सः कः? सः मतलब होता है वह। वह कौन है? सः शौचिकः। सः मतलब वह, शौचिकः मतलब दर्जी, वह दर्जी है। सः शौचिकः, वह दर्जी है। शौचिकः किम करोति? शौचिकः दर्जी किम मतलब क्या, करोति मतलब करता है, दर्जी क्या करता है। किम सः खेलति? किम मतलब क्या, क्या वह खेलता है? न, सः वस्त्रम् सिव्यति। न मतलब नहीं, सः मतलब वह, वस्त्रम् मतलब कपड़े, सिव्यति मतलब सिलता है, नहीं वह कपड़े सिलता है। एक बार फिर से देखिए। सः कः? वह कौन है? सः शौचिकः, वह दर्जी है। शौचिकः किम करोति? दर्जी क्या करता है? किम सः खेलति? क्या वह खेलता है? न, सः वस्त्रम् सिव्यति, नहीं वह कपड़ों को सिलता है। आइए आगे बढ़ते हैं। एतो कौ? एतो मतलब ये दो या ये दोनों। ये दोनों कौन है? एतो कौ, ये दोनों कौन है? एतो शुनको स्तः? शुनको मतलब दो कुत्ते, ये दोनों दो कुत्ते हैं। एतो शुनको स्तः, ये दोनों दो कुत्ते हैं। किम एतो गर्जतः? किम मतलब क्या, एतो मतलब ये दोनों, गर्जतः मतलब गरजते हैं, क्या ये दोनों गरजते हैं? न, एतो उच्चे बुक्कतः। न मतलब नहीं, एतो मतलब ये दोनों, उच्चे मतलब जोर से, बुक्कतः भौंकते हैं, नहीं ये दोनों जोर से भौंकते हैं। एक बार फिर से देखिए। एतो कौ, ये दोनों कौन है? एतो शुनको स्तः, ये दोनों दो कुत्ते हैं। किम एतो गर्जतः, क्या ये दोनों गरजते हैं? न, एतो उच्चे बुक्कतः, नहीं ये दोनों जोर से भौंकते हैं। तौ कौ? तौ मतलब वे दो या वे दोनों। वे दोनों कौन है? तौ कौ, वे दोनों कौन है? तौ बलिवर्दो स्तः, वे दोनों दो बैल हैं। बलिवर्दो मतलब होता है दो बैल। तौ बलिवर्दो स्तः, वे दोनों दो बैल हैं। किम तौ धावतः? क्या वे दोनों दौड़ते हैं? धावतः से मतलब है दौड़ते हैं। किम तौ धावतः? क्या वे दोनों दौड़ते हैं? न, तौ क्षेत्रम् कर्षतः। क्षेत्रम् मतलब खेत, कर्षतः मतलब जोतना या जोत रहे हैं। न, नहीं
वे दोनों खेत को जोतते हैं या वे दोनों खेत को जोत रहे हैं। एक बार फिर से देखिए, तव कौ वे दोनों कौन हैं? तव बलिवर्दो स्तः वे दोनों दो बैल हैं। किम तव धावतः क्या वे दोनों दौड़ते हैं? न तव क्षेत्रम कर्षतः नहीं वे दोनों खेत को जोत रहे हैं या जोतते हैं। एते के ये क्या है? एते स्यूता संति ये थैले हैं। स्यूता मतलब थैले, बैग। किम एते हरित वर्णः क्या ये हरे रंग के हैं? हरित मतलब हरा, वर्णः से मतलब है रंग। क्या ये हरे रंग के हैं? नहीं। एते नील वर्णः संति नहीं ये नीले रंग के हैं। एक बार फिर से समझते हैं, एते के ये क्या है? एते स्यूतः संति ये थैले हैं। किम एते हरित वर्णः क्या ये हरे रंग के हैं? नहीं। एते नील वर्णः संति नहीं ये नीले रंग के हैं। ते के ते मतलब वे, ते के वे कौन हैं? ते वृद्धा संति ते मतलब वे, वृद्धा मतलब वृद्ध मतलब बूढ़े। ते वृद्धा संति वे वृद्ध या बूढ़े हैं। किम ते गायन्ति क्या वे गा रहे हैं? किम मतलब क्या, ते मतलब वे, गायन्ति मतलब गाना या गा रहे हैं। किम ते गायन्ति क्या वे गा रहे हैं या गायन कर रहे हैं? नहीं। ते हसन्ति नहीं वे हंस रहे हैं। हसन्ति मतलब हंसना या हंस रहे हैं। ते के वे कौन हैं? ते वृद्धा संति वे वृद्ध हैं या बूढ़े व्यक्ति हैं। किम ते गायन्ति क्या वे गा रहे हैं? नहीं। ते हसन्ति नहीं वे हंस रहे हैं।